हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोनू व बसंती को किया हंसी खुशी विदा। नवजीवन संस्थान की दो युवतियों का विवाह संपन्न। केंद्र मंत्री स्वयं पहुंचे आशीर्वाद देने। नवजीवन संस्थान के लव कुश क्रू में करीब 20 साल से ज्यादा समय गुजारने के बाद सोमवार को सोनू व बसंती ससुराल के लिए विदा हो गए। पहले पालन पोषण व शिक्षा देने की जिम्मेदारी उठाने के बाद अब नवजीवन संस्थान ने इन दोनों की शादी की रस्में पूरी कर संस्थान से हंसी खुशी विदाई दी। इन दोनों युवतियों को आशीर्वाद देने के लिए केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं विवाह समारोह स्थल पहुंचे और नव विवाहित जोड़ों को नवजीवन की शुभकामनाएं दी। नवजीवन संस्थान के संचालक राजेंद्र परिहार ने बताया कि सोनू व बसंती सगी बहने हैं। जब ये संस्थान में आए उस समय सोनू 2 साल और बसंती 1 साल की थी। इनकी माँ चल बसी थी और पिता उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ थे। दोनों बेटियों को लेकर वे नवजीवन संस्थान में संस्थापक भगवान सिंह परिहार से मिले और कहा कि इन बेटियों की परवरिश वे नहीं कर सकते और इन्हें संस्थान में छोड़ना चाहते हैं। फिर वे दोनों को वहाँ छोड़कर चले गए। संस्थान ने दोनों का लालन पालन कर शिक्षा भी दी। सोनू 80% अंकों के साथ 12वीं पास करने के बाद इंटीरियर डेकोरेशन में डिप्लोमा कर चुकी है। वो बसंती 65% अंकों के साथ 12वीं पास कर ग्रेजुएट हो चुकी है। सोनू का रिश्ता चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी किराना व्यापारी प्रियेश सोमानी और बसंती का रिश्ता किराना होलसेलर गौरव जैन से किया गया है। गत शुक्रवार को प्रियेश व गौरव को सपरिवार संस्थान में बुलवाया और रिंग सेरेमनी आयोजित की गई। आज यहां कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दोनों बहनों की शादी की गई। शादी के दौरान केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस विवाह कार्यक्रम में निवर्तमान महापौर घनश्याम ओझा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, महामंत्री महेंद्र मेघवाल, रविंद्र सिंह मामडोली, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष शशि प्रजापत, जसवंत सिंह इंदा, अचल सिंह मेतड़िया शामिल हुए और परिणय सूत्र में बंधने पर आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई स्वयंसेवी संस्थानों की तरफ से इन दोनों बहनों को नव गृहस्थी के लिए उपहार भी दिए गए। इन उपहारों के साथ उन्हें ससुराल के लिए विदा किया गया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ना हमको एक परिवार मिल रहा है जहाँ पे मम्मी पापा का प्यार भी होगा। वैसे तो भैया ने बहुत अच्छा प्यार किया है, मतलब मम्मी पापा से कम प्यार नहीं किया है। वो बहुत हमारा रखते हैं एक बेटी की तरह है। हमारे भाई सब कुछ वही है और आगे मम्मी पापा के पास जाना है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जो संस्थान ऐसी बच्चियों के लिए एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सबको करना चाहिए। मतलब किसी को लड़कियों को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि लड़की और लड़के में क्या कोई लड़की को ऐसे छोड़ देते हैं। इसलिए तो ऐसा ना हर जगह संस्थान होनी चाहिए जहाँ पे ना सब बेटियों का मतलब रखे, किसी बेटी को ऐसे ना छोड़े जिससे वो ना अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा महसूस करे कि उनके पास नहीं है या कुछ। ऐसे संस्था बहुत जगह होनी चाहिए, सब जगह उनको रखा जाए। अपना नाम कि नवजीवन संस्थान से जो पालने में जो बच्चे आए हैं, दो बच्चों की आज शादी है। आज बच्चे 23 साल हो गए हमारे साथ रहते हुए और आज उनका हम विवाह करके पुनर्वास कर देंगे। हमारी संस्था जोधपुर में 89 से छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए काम कर रही है। आज हमारे पास 60 छोटे बच्चे हैं और 80 बुज़ुर्ग रहते हैं। अभी तक हमने जो बच्चियां गोद नहीं जाती है उनको यहाँ रखा के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में बच्चों को पुनर्वास करने के लिए शादी करके घर बसा लेते हैं। सभी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब हम शादी कर देते हैं और बच्चे अपना घर बसा लेते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ संस्था के स्टाफ को, छोटे बच्चों को भी। सबसे बड़ा यही है कि हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो शादी समारोह में नहीं आ सके क्योंकि COVID-19 के तहत हमने उनको रोका गया ताकि उसकी पालना की जा सके, लेकिन रोज़मर्रा का जो सिस्टम है वो चालू रहे इसलिए हमने जो बच्चों की शादी करनी थी वो शादी की हमने। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।